पर जब हम बस स्टैंड में 7:15 बजे से मम्मी एंट्री की तो ये एक कार आती है जो कि लीला रंग की कार है। उस लीला रंग की कार में घुमा के यहाँ पर दो बंदे ने नीचे उतार के चले गए। पीछे हमने बाइक बुक भी लगाए तो हमने सीमेंट से आगे नहीं पता चला कोई भी भाई कौन थे कौन नहीं थे। फिर आते हुए अबूजर की रोटी पानी खिला कर यहाँ पर छुड़ा दिया था। जबकि सुबह 5 बजे आए तो सुबह 5 बजे आते ही बीच में बैठा हुआ था। जब बीच में बैठा हुआ तो आज हमने एस एच में करके आप वर्गे भाइयों ने आप वर्गे पत्रकारों के पास फ़ोन किया तो यहाँ पर आने पर आपकी सहायता से अबूजर आपके घर पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और हमने इसकी अभी सुबह पर रोटी पानी खिलाया, सुबह भी चाय पानी पिला कर अभी 112 को बुलाया तो इसके प्रेस को क्या कहते हैं। ये कल की सुबह शाम की घटना है, कल शाम की घटना है, 7:15 की बात है। हाँ जी, लेकिन यहाँ तो खुद ही परिवार के द्वारा बताया जाए ऐसा है। अभी अभी मेरे पास सूचना आई थी यहाँ इसी बस स्टैंड के किसी कर्मचारी की भी, एक व्यक्ति है लावारिस, तो जैसे मैं आया इसको देखने के लिए तो थोड़ा सा बेसुध सा है ये, और कुछ बातचीत करने की कोशिश की तो अस्पष्ट सा बोलता है, क्लियर नहीं बोलता। तो जैसे इन्होंने बताया तो हो सकता है इनके परिवार वाले भी छोड़ गए हों, या हो सकता है कोई और कारण भी हो। ये तो जैसे कोई पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उससे पता चलेगा। आमतौर पर जो मानसिक विकलांग होते हैं लोग, उनको बहुत से परिवार भी अपने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हो सकता है ये वैसा केस भी हो। अनुभव जैसे हमारा है, क्योंकि हम जब ऐसे परिवार वालों को ढूंढते हैं तो उनमें से बहुत से परिवार इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, तो उस अनुभव के आधार पर तो कह सकता हूँ भी हो सकता है ये चीज़ संभावना है इस चीज़ की। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसे ना अभी 112 नंबर पे पुलिस को सूचना दे दी गई थी, एक मानव तस्करी दस्ता है उनको भी सूचना दे दी, साथ में हमारी जो आसपास की ब्रांचेज हैं उकलाना नरवाना अम्बरवाला वहाँ पर भी हमने इनके सूचना शेयर कर दी है। हो सकता है किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज हो या कोई पहचान ले, तो एक प्रयास किया जा सकता है, वही कर रहे हैं। डायल 112 पे मैं अपनी गाड़ी को लेकर बस स्टैंड पे पहुँचा, एक बुजुर्ग है जो बोल नहीं सकता और बीमार दिखाई दे रहा है, जिसको सरकारी एम्बुलेंस को बुला के उसमें बिठा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसका इलाज करवा के उसके बारे में पता करके वो कहाँ का रहने वाला है उसको अपने घर पर पहुँचाएंगे। हमारे पास डायल 112 फतेह पंचकुला से कॉल आई थी।